तो फेल गेम फैमिली रेसिडेंट इविल 4 के एपिसोड 3 में आप सभी का स्वागत है। और इन केस अगर आपने इसका एपिसोड 1 और 2 मिस कर दिया है तो एक काम करो, पहले उन दोनों एपिसोड्स को देख लो ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। तो लास्ट एपिसोड में लियोन को पता लगा ना कि प्रेसिडेंट की बेटी एशली एक चर्च के अंदर कैद है, लेकिन ऑब्वियसली वो चर्च बंद है और उसकी चाबी फिलहाल तो लियोन के पास नहीं है। पर लियोन को पता लगा है ना कि झील के पास शायद चर्च की चाबी मिल जाए, तो अभी उसी झील के पास मुझे जाना है जहाँ पर भरे हुए आदमी। तो आज के गेम प्ले ना स्टार्ट होते के साथ बूम बाम होना स्टार्ट होने वाला है। तो चलो फिर बिना देरी की आज के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और फेल गेम फैमिली, अगर आप लोग चाहते हो कि रेसिडेंट इविल 4 की वीडियोस आती रहे जल्दी जल्दी, तो आप लोग बस एक छोटा सा काम करना है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और जल्दी से इस वाली गेम प्ले में भी 5K लाइक्स कंप्लीट कर दो। तो चलिए फिर अब स्टार्ट किया जाए। जितनी गन्स लास्ट टाइम मर्चेंट से खरीदी थी ना, लगता है कि अभी सब यूज करनी पड़ेगी। अभी इंटर ही किया है मैंने और एक आदमी मिल गया और एक और नीचे तैयार है। बहुत बड़े, आ जा। अगर आम जैसे पेड़ से नहीं गिरता है, वैसे आदमी गिर रहे हैं। ये देखो, धुआं धुआं कर दिया भाई। अरे आग में चलते हुए आ जा रहे, क्या पागल आदमी लोग हैं। लाश क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे मैं ढेर लगा रहा हूं। लियोन भी मनी मन में बोल रहा है, बड़े आया अंकल मेरे को मारेंगे। इसके अंदर सांप है भाई साहब। अच्छा, 3 वाइपर मुझे कलेक्ट करने बोला था, मेरा साइड मिशन था। ये देख लो, बड़ा बैग खरीदा था वो भी अब फुल हो जा रहा है। आई थिंक कि मर्चेंट से नया बैग खरीदना पड़ेगा, इससे भी काम नहीं चलने वाला है। मेरे बैग में अंडे हैं, सांप है, क्या नहीं है मेरे बैग में। यहां पर लाशों की ढेर लगा दी है फिर भी अंकल अटैक करने आ रहे हैं। इसमें मैंने इतना देख लिया कि लूट नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अभी गेम का शुरुआत है और इतने ज्यादा आदमी आ रहे हैं, तो सोचो आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। इनके पास मोलोटोव भी है भाई, ये गांव वाले हैं या पता नहीं क्या है, इतने हथियार इनके पास आए कहां से। ये देखो, नीचे से आंटी फेंक रही है मशाल। आंटी तो नीचे, फिर मशाल फेंक कौन रहा है। ये आग से बचकर पूरी हेल्थ मेरी खत्म हो जाएगी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तब से 10-15 मशाल फेंक चुका है ये आदमी, अब मर जा चल। टाटा बोल दुनिया को और निकल ले। टेंशन की बात ये है ना कि ये लोग दोबारा भी जिंदा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। इससे पहले मुझे दोबारा मर्चेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा कर लेने ताकि नया हथियार खरीद पाऊं। इस गेम में आदमी खत्म ही नहीं होते हैं, रात भर मैं मारते रहूंगा ना एक जगह पे खड़ा होकर, आदमी आते ही रहेंगे। तो अच्छा यही होगा ना कि रास्ता क्लियर करो और निकल लो यहां से। मैंने लास्ट गेम प्ले में भी ये चीज बोला था कि ये गेम जब मैंने सालों पहले खेला था ना, इसलिए मुझे इतना टफ लग रहा था, क्योंकि इसमें आदमी खत्म ही नहीं होते। और जिस भी गेम में आदमी अगर कंटिन्यूअसली आए जा रहे हैं तो फिर वो गेम थोड़ा टफ हो ही जाता है। झील के करीब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, यहां पर कोई आदमी नहीं है भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहां पर। ये देख लो,
अच्छा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये गांव वाले इतने रेडी क्यों हैं मारने के लिए लियोन को। मतलब इनको पता था क्या पहले से कि लियोन आने वाला है? एक तो जब आदमी आने बंद हो जाते हैं ना तो टेंशन और टाइट हो जाती है, यानी कि कुछ गलत होने वाला है। अगर कुछ गोलियां क्राफ्ट कर सकते हो ना तो अभी कर लिया जाए, क्योंकि ब्रीफकेस फुल हो गया है। मैं सोच रहा हूं कि एक बार मैं शॉटगन ही की ज्यादा गोलियां बनाऊंगा। अभी छोड़ो, हटाओ। गुड लक फाइंडिंग समवन बिग एनफ टू यूज दिस थिंग। भाई साहब ये पक्का कुछ कांड है इस हथौड़े के साथ। पता है लियोन बोल रहे कि इतने बड़े हथियार को यूज करने वाला जीव भी कितना बड़ा होगा, तो वो तो नहीं मिलने वाला। इसलिए मुझे अब लग रहा है कि कोई बॉस पक्का इस हथौड़े को उठा के लड़ेगा मुझसे। पता नहीं वो कैसा होगा। अरे भाई साहब ये क्या ब्लू मेडालियन फोड़ना है, साइड मिशन है। ठीक है अच्छा, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि कौओं को मारने से सामान मिलता है, अभी देख लिया। आदमी तो आदमी भाई, यहां के जानवर भी सही नहीं है। पता नहीं कहां लियोन आ गया है। उस दरवाजे के पीछे पक्का बॉस है, वही जो हथौड़े को उठाएगा। मां कसम, आवाज सुनी भाई साहब, ये ऐसा लग रहा है कि सो रहा है इसके अंदर। मुझे लगता है ना कि जब चाबी लेके लौटूंगा तब ये आएगा लड़ने। आई थिंक गुर्राने की सिर्फ आवाज सुनो आप लोग पीछे करके, भाई साहब खतरनाक है। जो भी है मजा आएगा। जब रिटर्न आएंगे तब आई थिंक फाइट होगी उससे। इस बॉक्स में लगाने वाली चाबी है नहीं मेरे पास फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। ओ मर्चेंट आ गया, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हुए कि कोई नया वेपन खरीद पाऊं, और ऐसे भी मेरा ब्रीफकेस फुल हो गया है। तो एक काम करते बैग ही खरीद लेंगे अगर ऑप्शन दिया तो। मुझे लगा था यही होगा, लेकिन लगता है कि आसपास है कहीं पर। तो इस बार मर्चेंट भाई साहब क्या क्या लेकर आए देखते हैं। चलो हेक्सागोन पीस, इसका क्या करना है? बेचने के काम आएगा क्या? तो ये टिप दिया है कि जो हथियार यूज नहीं कर रहा हूं इसके पास बेच सकता हूं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। Stench of battle on you, mate. There are enough weapons here to get a party going. ये merchant launcher तो लेते आया है, लेकिन इसको खरीदने का option नहीं दे रहा है। Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. You'll get some bang for your buck. I guarantee it. बड़ा bag खरीदने का option नहीं है। What's that? How have we procured these curiosities? तो फिलहाल मेरे पास जो वेपन्स है ना उन्हीं में से किसी को अपग्रेड कर लिया जाए सामान बेचकर, क्योंकि पैसे कम है। Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's arch, a deal well struck. अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हैंडगन को अपग्रेड करूँ जिसको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, या फिर शॉटगन को। Molding a weapon to suit your specific needs. It's a thing of beauty. काम करते हैं ना, हैंडगन ही को अभी अपग्रेड कर लेते हैं फिलहाल। Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Where would it? We'll come back anytime. ये लॉन्चर लेकर आया क्यों जब खरीदने का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो? मतलब बाद में आई थिंक खरीदने का ऑप्शन देगा। वो जो बड़ा वाला बॉस है ना, जो भी है, पता नहीं कैसा दिखता होगा वो, उससे लड़ने में लॉन्चर बड़ा काम आएगा। तो आई होप उस टाइम तक लॉन्चर खरीदने का ऑप्शन आ जाए। मतलब अब पानी तो आ ही गया, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि पानी में नहीं जाता है लियोन, फिलहाल तो नहीं जाता है। आगे जाएगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं जाता है। देख लो आगे बढ़ने का ऑप्शन है नहीं।
कोई डोर भी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है क्या? नहीं, तो एक काम करते, ऊपर ही चलते हैं। पीछे एक लिफ्ट है, आगे भी जाने का रास्ता है, पहले यहां चलकर देखते हैं क्या है। टारगेट प्रैक्टिस करना है यहां पर। तो मर्चेंट ने बोला है कि ये टारगेट प्रैक्टिस करो यहाँ पर, और जितनी अच्छी शूटिंग में करूंगा ना, यानी कि देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जितना हाई स्कोर बनाऊंगा उतना ज्यादा अच्छा इनाम देगा मर्चेंट। तो शूटिंग करने के बाद कुछ टोकन्स मिलेंगे जितना अच्छा स्कोर बनाऊंगा, और पीछे जो मशीन रखी हुई ना उसमें टोकन ला के डाल देना, और उसके बाद मर्चेंट कुछ इनाम देगा, पता नहीं क्या। तो पायरेट्स को मारने पे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलती से सेलर्स को मार दिया ना तो पॉइंट्स कम हो जाएंगे स्कोर में से, ठीक है। तो कुछ टारगेट्स ना एक गोली से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो उनपे और गोलियां चलानी है जब तक वो टूट नहीं जाते, और कुछ कंडीशंस मैंने पूरी कर दी ना तो बोनस टारगेट राउंड भी आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या इनाम मिलता है। गलती से भी सेलर्स को नहीं मारना है। और ये टारगेट प्रैक्टिस में ना गोलियां वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि गोलियां मर्चेंट दे रहा है फिलहाल। अरे रिलोड करने लगा था, तो दोबारा कर सकते हैं ना, क्योंकि और अच्छे स्कोर में बना सकता हूं। इस बारी पहले से अच्छा करना है। जिस भी पायरेट के टारगेट पे स्कल बना हुआ है ना, यानी कि खोपड़ी, उस खोपड़ी पे मारने पे ज्यादा पॉइंट मिलेगा। अब तो लास्ट टाइम से ज्यादा पॉइंट बना ही लूंगा। लास्ट टाइम से अच्छा स्कोर बनाया, गोल्ड टोकन भी मिला है। ये जो 1B है ना, इसको करते हैं, इसमें अलग गन से होगा। कोई भी रेसिडेंट इविल में मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई साइड मिशन भी था इतना अच्छा। एक भी सेलर को लग गया ना तो पॉइंट कम हो जाएगा। और अच्छा हो सकता था, ठीक ही है। ये तीनों में सबसे टफ होने वाला है, ये 1C है। मैं 100% कोई ना कोई सेलर को गोली लगेगी, पता है।
ये लास्ट वाला है ना, इसमें रिलोड का टाइम भी नहीं दिया। क्या आदमी है भाई, पहले ही रिलोड का टाइम दे देता। जल्दी ला, टाइम वेस्ट हो रहा है। सारे तो सेलर ही है। ओके पीछे, इसमें इतना संभल के गोली चलाना पड़ रहा है ना, सेलर को नहीं लग जाए। अरे दो सेलर को मारा, 1000 पॉइंट माइनस कर दिया। कोई बात नहीं, चलो अच्छे खासे टोकन्स मिल ही गए, अब उनको यूज किया जाए। इनाम क्या मिलता है इनसे? शॉटगन की गोलियां बनाऊंगा तो उसमें 15% बोनस मिला है, ठीक है। तो हथियार अपग्रेड करवाऊंगा ना मर्चेंट के पास, तो अब 5% उसमें पैसे कम लगेंगे। और दो ही सिल्वर टोकन है, अगर तीनों गोल्डन टोकन रहेंगे ना तो इनाम और अच्छे मिलेंगे। बहुत मर्चेंट का गेम खेल लिया है, अब प्रेसिडेंट की बेटी को भी बचाते हैं। Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. If you want a fighting chance, suit yourself, stranger. मैंने सोच के रखा हो, अभी जितने हथियार हैं ना उन्हीं को अपग्रेड किया जाए, और लॉन्चर के अलावा फिलहाल और कोई हथियार नहीं खरीदना है। तो अब जाकर फाइनली झील के पास पहुंच गए। यहां पर देखना है, क्या देखना है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्या मछली पकड़ने हैं? ओ नहीं, लाश लाश, हाँ लाश फेंक रहे हैं, पुलिस की लाश है। ओ भाई साहब, चली भी बिना सर की लाश। ओ भाई क्या था? झील के पास ही जाना है, वो क्या था और वो क्यों था? मतलब शार्क जैसा तो नहीं लग रहा था, मतलब अजीब ही टाइप का कुछ जानवर था। उसी के लिए लाश फेंक के गए थे गांव के आदमी। भाई साहब मुझे भी वहीं जाना है क्या? मत बोलना कि उससे फाइट करना है, उतनी गोलियां भी लेके नहीं आया हूं मैं। आई थिंक कि उससे फाइट करना है भाई। आज लगता है कि लियोन की बैंड बजने वाली। चलो बहुत अच्छा है, सामान उठा ले भाई, जो गोलियां मिली उठा ले, पता नहीं उसको मारने में कितनी गोलियां लगेंगी। लॉन्चर भी नहीं है मेरे पास, पानी से होकर जाना है। Come on, fill the tank when you're done. बोट में डालने के लिए तेल चाहिए, अब तेल कहां से लेकर आऊं? लियोन को आइडिया है कि तेल यहीं कहीं होना चाहिए। नहीं तो ना, बैग ने अलग परेशान कर रखा है, हथियार अभी फेंक नहीं सकते, पता नहीं आगे और कैसे कैसे मॉन्स्टर आएंगे। मुझे तो इतने हथियार भी कम ही लग रहे हैं। तो बोट से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो तेल लेके आना होगा, अब कहां से लाएंगे वो देखते हैं। एक तो सांप भी मैं पता नहीं क्यों ब्रीफकेस में लेके घूम रहा हूं। मर्चेंट मिलेगा उसको 3 सांप दूंगा भाई, खत्म करूंगा सांप का सिस्टम। अच्छा लियोन की हेल्थ थोड़ी कम है, अंडे का यूज करके हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं। जा रहा है लियोन बोट के लिए तेल लाने, और इसका तेल निकलने वाला है। ये क्या है? तो बोट के लिए तेल मिलेगा मुझे प्रोसेसिंग बिल्डिंग में, जो कि फिश फार्म में है। ओके, बोट के लिए तेल तो यहां मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन कितने आदमी मिलेंगे ये भी बता ही देते। और ये टूट गया,
God damn it. अपना मशीन गन निकालो, बहुत हो गया है। आदमियों की आवाज भी आ रही है, मशीन गन निकालो, आप बताता हूं सबको। अच्छा ये तू तो ग्रेनेड ले। बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है, काम करो आ ही जाओ, मेरे पास मशीन गन है अब। एक साथ पूरी फौज क्यों आ जाती है, एक कर क्या हो ना। लियोन बोल रहा है कि अगले वाले भी आ ही जाओ, मतलब आ ही रहे लियोन, बोलने की जरूरत नहीं है ऐसे। यहीं पर तेल मिलेगा और मैंने सही सोचा था, मेरा यहां पर तेल निकलने वाला है। सांप की आवाज आई, पक्का मुझे आवाज। हा, तीन सांप को कलेक्ट करना था, दो कर लिया है, लेकिन इसको रखू कहां। कुछ गोलियां बना लेते हैं, जगह भी खाली होगी। अब ना बैग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मर्चेंट प्लीज एक बड़ा बैग लेते हो, या फिर बता दो कि इतना ही बड़ा बैग मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, तब मैं पक्का एक आध हथियार बेच दूंगा भाई। आग लगे हुए तीर मार रहा था मुझे, बताओ। ये पता नहीं स्पैनिश लैंग्वेज में कौन कौन सी गाली बक रहे हैं लियोन को, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। अच्छा ही है, तो पांच ब्लू मेडालियन फोड़ना था, जिसमें से एक फोड़ दिया है। एक सामान उठाने जाओ, फिर एडजस्ट करो भाई, ये सांप जल्दी से बेच दूं ना। वो तो अच्छा है कि कॉइंस ये सब रखने के लिए ब्रीफकेस में जगह नहीं चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते। ये क्या, ओ भाई अभी मैं जाने ही वाला था। वायर इतनी ट्रांसपेरेंट है ना कि नजर ही नहीं आएगी। क्या खतरनाक बचाऊ मैं भाई, बगल से कुल्हाड़ी पार हुई। इतनी इतनी जो गोलियां बना रहा हूं वो कहीं तो काम आए। फिर देख लो, अरे भाई ये अपना ज्यादा सता रहा है, पता है। मैं जा रहा हूं हथियार बेच दूंगा कोई सा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर वेपन बेचना है तो कौन सा वेपन बेचा जाएगा। तो नोट में क्या लिखा हुआ था, प्रोसेसिंग बिल्डिंग में तेल मिलेगा बोट के लिए। ऐसे कोई बिल्डिंग तो नजर नहीं आ रही है फिलहाल, मतलब लिखा हुआ था प्रोसेसिंग बिल्डिंग, हो सकता है छोटा सा घर ही हो। तो एडजस्ट कर देता हूं, सामान एडजस्ट हो ही जाएगा, जगह है। चलो सही है, कहीं से आदमियों की भी आवाज नहीं आ रही है। यहां पर वो मॉन्स्टर आने वाला है क्या, जिसको हमला करते हुए नहीं देखा था। लेकिन यहां पर उतना पानी नहीं है कि मॉन्स्टर रह सके, क्या पता भाई, रेसिडेंट इविल गेम है, कुछ भी पॉसिबल है, उड़ते हुए भी आ सकता है।
ये रास्ता तो रिटर्न जाने का, यहां से अभी जाना नहीं। अच्छा दिख गया मुझे, इधर सीधा रास्ता नहीं दिया, जानबूझ के ना ब्लॉक करके रखा हुआ है ताकि आने जाने में दिक्कत हो। ये भी एक साइड मिशन ही है, ब्लू मेडालियन फोड़ने वाला, इन सबसे इनाम मिलता है। वायर नजर आ रहा है यहां पर? कतई नहीं नजर आ रहा है। बोट के लिए तेल यहीं पर मिलेगा आई थिंक, ये यही बिल्डिंग है, मतलब लिखा हो तो बिल्डिंग था लेकिन अब जो है यही है। तेल मिल गया, अब यहां से लौटना है। ओके तेल उठाओ और पतली गली से निकलो यहां से। This is what I'm talking about. अब तो पूरा बैग फुल है और अंडे की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, फिलहाल तो बहुत ही अंडे हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं क्या? चलो खाली हो गया अंडे के लिए, आ जा। अच्छा जिस आदमी को बचाया था एपिसोड 2 में लुइस, जो बाद में पता चला कि अम्ब्रेला के लिए काम करता था, वो कहाँ है? वो भी गायब है। ये चाबी बहुत काम आएगी, कुछ कुछ ऐसे ड्रॉर रहते हैं खुलते नहीं है, उनको खोलने में काम आएगी। चलो सही है, सांप बहुत उठा लिया, अब सांप नहीं उठाना है। यहां पर देख लेता हूं बचा कुचा कुछ और है, उसके बाद निकलेंगे यहां से। हेक्सागन पीस बी, अब इससे पहले ना आदमियों की फौज मुझे यहां पर घेर ले, यहां से निकलते हैं। देखो मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं लेकिन हां जितना हो सके कर ले रहा हूं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि इतना एक्सप्लोर काफी है या और भी ज्यादा एक्सप्लोर करूं आगे की वीडियोस में। मेरा ध्यान ही नहीं था, मुझे आवाज आ गई थी लेकिन था, कोई बात नहीं, इतने इतने अंडे किस दिन काम आएंगे। रिसोर्स के लिए जगह नहीं है लेकिन अंडा यूज कर लेंगे तो जगह बन जाएगी, इसीलिए सामान छोड़ना नहीं चाहिए, देखते हो ना कभी भी काम पड़ सकता है। मनहूस, इनसे लड़कर ना अपनी गोलियां वेस्ट करना है, यहां से निकलते हैं। रास्ते में कोई मिला तो अलग बात है। दोनों को मार के उठा लिया था ना सामान, ये देखो कौन छोड़ के जा रहा था, यहां से निकलो अब। जाएंगे बोट से और उस मॉन्स्टर से शायद शायद फाइट होने वाली है, या पता नहीं वो क्या करेगा। इसको जाने दो तेल लेने, ये मैंने बोला ना आदमी इसमें खत्म ही नहीं होते हैं। जो भी भयंकर कांड है वो अब होने वाला है, तैयार हो जाओ। बहुत सारी गोलियां मैंने बचाई लेकिन अब नहीं बचने वाली है। चलो ठीक है, लियोन को कोई डर ही नहीं है, लियोन ने देखा कि पानी के अंदर वो मॉन्स्टर है फिर भी आराम से जा रहा है, वाह लियोन। बोट चलाने का देगा क्या मुझे? अरे मुझे भी चलाने देना चाहिए था बोट, तब ना मजा आता। पता ही था, किस्मत भी इतनी फूटी हुई है ना।
तैयार हो आप लोग? ओह हो, झटके। ये वाला जो मोमेंट रहता है ना कि जब पता नहीं है कि दुश्मन कहाँ है, बड़ा डेंजरस रहता है। एक बार पे खाने वाला हट। मुझे कहाँ खींच के ले जा रहा है? अच्छा ये भाले जैसा कुछ है, फेंकना है। वाह, मेरा खुद का वेपन यूज नहीं करना है, बहुत बढ़िया। ये मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? मतलब करेगा, ये इतना तो पता है कि करेगा, लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा है हमला? ओए मजाक कर रहा था यार, सीरियसली मत ले। ये जानबूझकर ना कोई कोई सामान से टकराने की भी कोशिश कर रहा है ताकि मेरी बोट उलट जाए। अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये है कौन सा जानवर। Think you can swallow me whole, huh? लियोन बोल रहा है कि तुम मुझे पूरा निगलने का सोच रहे हो। अच्छा मुंह खोल कर ऐसे आएगा तो पड़ेगी ही ना। कहां गया? अच्छा अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है इसके साथ। अब क्या कर रहा है? ये देख लो, जानबूझ के ले जा रहा है। ना 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 ना, मैं अपनी बोट साइड करूंगा। साइड करने का ऑप्शन दिया है। ये वाला हथियार अनलिमिटेड है। पक्का अचानक से कूदेगा मेरे ऊपर। कहां है? Where'd you go? मुंह खोल के आते रहते हैं ना, उस टाइम नहीं ना मारूंगा, डेफिनेटली खा जाएगा। इसको कितनी मस्ती सवार है। अरे मरने का क्या लेगा, मरना। ये बावला मर ही नहीं रहा है। अच्छा अच्छा निपट गया। आई थिंक ये मर गया है शायद। फिर जिंदा होगा क्या? मरा तो, लेकिन लियोन की भी हालत खराब कर दी है। लियोन के खून में पता नहीं कौन सा वायरस डाला था उस आदमी ने, याद है ना? तो इसीलिए आई थिंक कि लियोन के मुंह से खून निकल रहा है, या पता नहीं क्या हुआ। चैप्टर 3 खत्म हो गया है, गेम प्ले खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, अभी कंटिन्यू करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं पहले। चैप्टर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। लियोन बोट के अंदर बेहोश हो गया है खून की उल्टी करके। पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। कंटिन्यू करते हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फेल आर्मी एकदम फटाक से लाइक कर लो। Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. Begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. ये आदमी पता नहीं क्यों बार बार लियोन को नजर आ रहा है जब से वो वायरस लगाया है। ये लियोन को हमेशा पता नहीं बलि का भेड़ क्यों बोले जा रहा है, और बोल रहा है कि जब दिन खत्म होगा तब तुम मुझे हमेशा के लिए ज्वाइन कर लोगे। देखते हैं।
जिस आदमी ने वायरस लगाया था ना वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का नजर आ रहा है, लेकिन ये जो लियोन के सपने में आ रहा है ना वो आई थिंक कि मेन बॉस है शायद। Condor One to Roost. Do you read me? Condor One? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. तो लियोन की हैंडलर काफी परेशान हो गई थी, बोल रही थी कि 3 घंटे से तुमने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया हमसे। तो लियोन ने बोला कि मैं अभी भी चर्च की चाबी ढूंढ रहा हूँ और आगे ऐसा नहीं होगा। यानी कि लियोन कम से कम 3 घंटे बेहोश था। अब ये देखना है कि चर्च की चाबी कहाँ मिलेगी, क्योंकि लेक के पास तो आ गए लेकिन चाबी का कोई अता पता नहीं है। पुलिस की टोपी, अच्छा वो जो पुलिस की लाश फेंकी थी ना आई थिंक उसी की टोपी है। आवाज भी आ रही है और 2-3 रास्ते भी नजर आ रहे हैं मुझे किधर जाने का है। इधर से स्टार्ट करते हैं, चलो। म्यूजिक अचानक से कुछ ज्यादा ही डरावना टाइप का हो गया, क्या होने वाला है? हेडफोन लगा के अगर ये गेम आप लोग सुन लो ना रात में अजीब सा लगने लगेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ के गांव के लोग हैं ना सब स्पैनिश लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। आवाज अब बढ़ते जा रही है, यानी कि आदमी के करीब पहुंच ही गए हैं। ये देखो परछाई तो नजर आ ही रही है। क्या हो रहा है? ओए ये क्या है? अब नॉर्मल आदमियों के साथ साथ ये भी आएंगे, पता नहीं अब ये क्या है। ये आदमी तक तो ठीक था, लेकिन अभी मतलब देख रहे हो ना ये अभी शुरुआत है। What the fuck? इस गेम में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर आने वाले हैं ना जो कि भर भर के आएंगे, आगे ना पक्का हालत खराब होने वाली है, देख लेना। गुफा के अंदर भी कोई नया टाइप का नमूना आने वाला है ना तो अभी से बता दो। What is this place? लियोन पूछा कि ये कौन सी जगह है। भाई नहीं पता मेरे को। Some kind of shrine. ये क्या बना के रखा हुआ है यहाँ पर? दो बड़े बड़े हाथ हैं, ये सब क्या है? Same mark from the church. लियोन बोल रहा है कि चर्च के ऊपर भी यही निशान बना हुआ था, यानी कि चर्च की चाबी यहाँ पर मिल सकती है। इस पे कुछ रखना है, लेकिन क्या रखना है मुझे पता नहीं, मेरे पास नहीं है। इन दोनों हाथों पे ना कुछ रखने के लिए चाहिए, तब या तो कोई सामान मिलेगा नहीं तो कोई खुफिया दरवाजा खुलेगा। It's the lake. अच्छा मैप भी बना हुआ है, लेक ओ दो खोपड़ी बनी हुई है देखो वहां पर। अच्छा दो सामान मिलेगा वहां पर हाथ में रखने के लिए, ठीक है ठीक है। तो वापस से लेक के पास जाना होगा, दो जगह मार्क हो गया है, वहां से दो सामान लाना होगा हाथ पर रखने के लिए। तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करना है। ओके ये ब्लू पर्ची दिखे, यानी कि साइड मिशन। सोने के अंडे चाहिए भाई साइड मिशन में इस बारी, वाह। अब ये सोने के अंडे कहां मिलेंगे देखते हैं, अगर मिशन दिया है तो यानी कि मिलेंगे तो जरूर। अरे ये चाबी, ऐसे ही तो लॉक आता है ना बार बार जिसको अपन खोल नहीं पाते थे। चलो ठीक है लेक पे चलते हैं। बोट चलाने का ऑप्शन अब तो देना चाहिए, अपने आप से जाएगा या ओ मुझे चलाना है? अरे वाह अच्छा लगा, लेकिन बोट का कंट्रोल इतना अजीब टाइप का क्यों है?
ठीक है काम चला लेंगे। उस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया है ठीक है, अगर वो दोबारा जिंदा होकर आता है ना तो ये चीटिंग है। यहां पर इतनी सारी मुर्गियां हैं, वो सोने का भी अंडा यहां पर हो सकता है। ऐसे बोलते नहीं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, कहावत है, लेकिन रियल में सोने का अंडा दिया है क्या? ओ मिला, सही में सोने का अंडा है। I'll be taking this. वो को भी मारने से कुछ मिलता था, चिकन को भी मारने से कुछ मिलता है क्या? मतलब अंडे तो दे ही रहे चिकन, लेकिन नहीं कुछ नहीं, बेकार। पर मारने का ऑप्शन जरूर दिया था रेसिडेंट इविल ने। और तो अंडे नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है, यहां से निकला जाए। दो लोकेशन पे जाना है भाई। वहां सामने बड़ी आग जल रही है, चलो वहीं चलते हैं। पहला लोकेशन तो यहीं पर है। आदमी नहीं है एक भी यहां पर, ऐसा क्यों? बोट के कंट्रोल्स ना और स्मूथ हो सकते थे, लेकिन काम चल जा रहा है। नीचे तो दरवाजा लॉक ही, ये क्या बना हुआ है यहां पर? कहीं पर कोई सामान मिलेगा वो बड़े वाले हाथ पे रखने के लिए। और एक और दरवाजा लॉक ही लग रहा है, बहुत अच्छा, अंदर से लॉक है। It's locked. मुझे लग ही रहा था इतना आसान थोड़ी देंगे। अच्छा इसको खोलने के लिए बटन्स हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा सही बटन है? ओ वॉल पे कुछ कुछ बना हुआ है ना, ऐसा ही तो डिजाइन था शायद, पता नहीं, लग तो रहा है वैसा ही है। एक काम करते हैं, देखते हैं, नीचे भी बना हुआ था और ऊपर भी वॉल्स पर कुछ कुछ डिजाइन बना हुआ था, सब कुछ चेक करते हैं एक बार। ये देखो यहां पर तीर टाइप का कुछ बना हुआ है नीचे में, यहां पर कुछ नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि लकड़ी पे सांप चल रहा है, ये पता नहीं धनुष टाइप का भी थोड़ा सा लग रहा है। यहां पर तीन सांप, ऐसे से सिंबल से कि याद ही नहीं रहेंगे, ये क्या है? ये ऐसे, ठीक है मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, याद रहेंगे तब ना। ये दो ऐसे, ओके आओ, ये तीनों को मिला के एक डिजाइन बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझ में आया। ये जो ऊपर में है ना, तीन सिंबल्स को मिला के एक डिजाइन बनेगा। तो सबसे पहले धनुष, फिर वो सांप, फिर ये तीनों, यहां तक मुझे लग रहा है, करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया, फिर तीन सांप टाइप के जो हैं, अब ये तीन जो निशान एक साथ है ना, आई थिंक ये वही वाला है या कुछ और है, क्योंकि बटन्स तो बहुत सारे दिए हैं यहां पर। लेकिन चलो ठीक है, इसी को करके देखते हैं। इसके बगल वाला, ये मुझे श्योर नहीं लग रहा है, तीन डिजाइन है और तीनों यहां पर है। खुल गया, तो ये रखना है हाथ के ऊपर, वाह। मर्चेंट के पास जाकर ना सांप बेच दूंगा, ये बैग ने अलग परेशान करके रखा हुआ मुझे आज के एपिसोड में। ऊपर जब कुछ था नहीं तो दरवाजा लॉक करके क्यों रखा था, या दरवाजा देते ही नहीं? लेकिन चलो ठीक है, यहां से निकलते हैं हम। एक और लोकेशन है, ओके,
और आज के एपिसोड हम लोग यहाँ पर खत्म करेंगे। वो जो नेक्स्ट लोकेशन है उसमें नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे भाई। बिल गेम फैमिली एकदम फटाफट से 5K लाइक्स कंप्लीट कर दो, उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत आ जाएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।